अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारे पास बुक है मैथमेटिक क्लास फाइव फाइल बाकी। आज हम एक्सरसाइज 4C स्टार्ट करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज है 4C। यहाँ पे हमारे पास मेन 2 क्वेश्चन है, आगे फर्दर उनके पार्ट्स हैं, तो वन बाय वन हम इनको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे हमें इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है, वो किस तरह से इनकी कटिंग करनी है। यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हो रहा है ऑफ़, ठीक है। ऑफ़ का मीनिंग मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे ऑफ़ का मतलब क्या है। आपके बुक के पेज नंबर 49 पे इन्होंने ऑफ़ का मीनिंग बताया हुआ है कि ऑफ़ मीन्स मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर ऑफ़ का जो मतलब है वो मल्टीप्लाई है, ठीक है। ऑफ जहाँ पे लिखा हुआ है हमने उसको मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट कर देना है, और देन हमने आगे नेक्स्ट को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं हम, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, ये इसको लिख दिया। इसका आप स्टेप एक दफ़ा और से समझ ले, देन बहुत ईजी है ये वाला। सबसे पहले आपने लिखना है 1/7, 1/7, और ऑफ को कन्वर्ट कर देना है मल्टीप्लाई के साइन में, 21 एज इट इज़ लिख देंगे। उसके बाद हमने और इक्वल का सिंबल मस्ट आपने यूज़ करना है। सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप जो हमारे पास आ रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे हमने करना है इसकी कटिंग देखनी है कि ये नीचे वाला जो टेबल है इसको कितने ज़ार काट रहा है, ठीक है। 1/7 मल्टीप्लाई 21, 7 1s are 7, 7 3s are 21, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि 3 और 1 के दरमियान कौन सा सिंबल आ रहा है मल्टीप्लाई का, ये दोनों मल्टीप्लाई होके हम इनको लिख देंगे 3 1s are 3। ये हमारी वैल्यू आ गई है जो कि रिक्वायर्ड थी। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास सोल्व है, 2/5 of 35 liter। हमने क्या करना है इसको, सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई के सिंबल में कन्वर्ट कर देना है, दोनों वैल्यू एज इट इज़ लिख देनी है। उसके बाद 5 का टेबल काट रहे 35 को, 5 7s are 35, 7 को 8 से मल्टीप्लाई करके आप लिख देंगे 2 7s are 14, और आंसर में भी आपने लीटर को मेंशन करना है, 14 लीटर इसका आंसर आया है। पार्ट 3 इसका स्टार्ट करते हैं। पार्ट थ्री हमारे पास है 2/3 of rupees 81, ठीक है। आपने इसी तरह ऑफ को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है, देन यहाँ पे आप इसको 2/3 लिखेंगे और ऑफ को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके 81, देन उसी तरह से आपने यहाँ पे 3 के टेबल से 3 से कटिंग हो रही है 81 की, 3 2s are, आप 81 की कटिंग देख लें किस तरह हुई हुई है, 3 2s are 6, 8 था, 8 में से 2 मैंने आगे भेजा है, तो 3 2s are 6 हो गया है, और 2 और 1 मिलके 21 बने, तो 3 के टेबल में 7s are 21 आता है, 3 2s are 6 और 3 7s are 21। ये छोटा सा आपको 21 लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो ये आपके पास 2 multiply 27 आ गए, इन दोनों को मल्टीप्लाई आप करके यहाँ पे लिख देंगे। आप रफ फॉर्म में मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ पर मैं आपको मल्टीप्लाई करके बता देती हूँ, 2 7s are 14, 1 carry, 2 2s are 4 or 5, 54 आपका यहाँ पे आ गया आंसर रुपीस। देन आपके पास इसका पार्ट नंबर 4 है, 3/4 of 24, ऑफ को आपने मल्टीप्लाई के सिंबल में कन्वर्ट कर दिया, देन आपने कटिंग करनी है, 4 का टेबल 6 ज़ार 24 को काटते हैं, 4 6 ज़ार 24 और 3 6 ज़ार 18, 18 आपका आंसर आ गया है। पार्ट नंबर 5 है 1/5 of 3, 3/5, आपने सबसे पहले ऑफ के सिंबल को कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाई में, देन आपने ये मिक्सड फ्रैक्शन की फॉर्म ख़त्म करके आपने इसको सिंपल फ्रैक्शन की फॉर्म में लेकर आना है। तो उसका तरीका ये कि आप नीचे वाली वैल्यू को उससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3s are 15, और ऊपर वाली उसमें प्लस कर देंगे, 15 और 3 प्लस करने से 18 आते हैं, 18/5, देन 1/5 multiply 18/5, यहाँ पे ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 18 1s are 18, 5 5s are 25, यहाँ पे कोई मजीद कटिंग नहीं हो रही, तो दिस इज़ आवर आंसर। थैंक यू।